एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालेश क्लासेस बाय बालेश सर। आपके कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट 2022 आउट हो चुके हैं, सभी का रिजल्ट आ गया है। कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले, क्या आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं? क्या आपका नंबर कम आया है? क्या आपने अपनी कापी में भरपूर लिखा है? क्या आपको नंबर कम मिला हुआ है? क्या ऐसा भी है कि आपने कापी लिख करके आया है और आपका नंबर ही नहीं चढ़ा है? क्या आपको अब्सेंट दिखाया जा रहा है? क्या आपकी कापी में AYF लिख करके आ रहा है? अगर ये सारी चीज़ें परेशानियाँ आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ आप इस वीडियो को हर एक परेशान व्यक्ति के पास भेजेंगे, मतलब जिसका रिजल्ट कम हुआ है, जिसका भी गड़बड़ हुआ है, जिसमें भी ऐसी परेशानी, उनको जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप भी इसी के काबिल हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपकी जरूर मदद करेगा और जरूर सहायता करेगा और जरूर आपको कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम, ठीक है, स्क्रूटनी है, यहां पे आपको दिया गया है, साफ साफ लिखा है नंबर कम है या संतुष्ट नहीं है। अगर आपके रिजल्ट में अब्सेंट दिखा रहा है, आपके नंबर नहीं चढ़े हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर आराम से एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? यूपी बोर्ड 2022 रिजल्ट स्क्रूटनी। ठीक है, अगर आप यूपी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में मिले मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आप स्क्रूटनी के अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है ना, आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, यूपी बोर्ड स्क्रूटनी 2022। ठीक है ना, यूपी बोर्ड स्क्रूटनी 2022 के आवेदन की प्रक्रिया, ठीक है ना, मतलब आप पूछेंगे कि ये कब से शुरू होगा, तो इसके आवेदन की प्रक्रिया नतीजे घोषित होने के बाद, मतलब आपका रिजल्ट आ गया है, 4 से 5 दिन या 8 से 10 दिन में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रति विषय एक निर्धारित शुल्क देना होगा, मतलब आप जितने विषय का करवाना चाहेंगे, जैसे 2 विषय का तो पर विषय जितना शुल्क होगा उसके हिसाब से आपको 2 देना पड़ेगा। ठीक है ना, इस स्क्रूटनी के बाद आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। ठीक है ना, दोनों चीज ध्यान से सुन लीजिए, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वही फाइनल रिजल्ट होगा, वही फाइनल होगा। तो आप लोग प्लीज, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसलिए प्लीज आप ध्यान से और सही से, ठीक है, बहुत कुछ सोच करके स्क्रूटनी करने का फैसला आप लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज, और हर बार की तरह जितना भी रिजल्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, कितना खर्चा लगेगा, कितने दिन में रिजल्ट आएगा, क्या होगा, सारा प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।